सरिया खींच ले नुंगा उ जाए छे बवना मार है बाजार के मऊगी मर दबा के रास्ता ना है बांध के केवाड़ अच्छा हाँ तो कैसे जेते कैसे जेते कैसे गांव में ठेल दबो रास्ता हो के जाते हैं तब हाँ राहे से केवाल लगा दल के तब रास्ता में केवाल लगा दल के लाग बंद क्या खींच के घर में बैठा लो बाबना कैसे ये हाल हाँ लुपा न जल जाल देते थे गंगा जी में हम डूबे डूबे कर रहे कैसे हम ऊपर कुछ न चाहे छो हमरा सड़क हम खाली चाहे छो हमरा कुछ अखनी न दे खाल हम डूबलो छौ त मगर ना सड़क बनाए दे हां बस हम सड़क चाहे छ हम कुछो न अभी हमरा नहीं खाल दे हम तो अखन खाल नहीं मांगा हियो हम भूखल रहा मगर हमरा सरका बनवा जिंदगी भर के बाल बच्चा कुल के सुधारण करवा बाहन गाड़ी दे दुगार पर चढ़ के जाइए त बाढ़ ग्रसित क्षेत्र डीह पिपरिया में है और यहां इस यह पूरा गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इस गांव की महिलाएं आराम से अपने ये भुट्टा को ये बैठ करके एक साथ चार पांच महिला छुड़ा रही हैं। काम तो कुछ दिख नहीं रहा है, बैठ करके भुट्टा छुड़ा रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर बैठ करके भुट्टा छुड़ा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, जबकि चारों ओर गाँव के पानी घिरा हुआ है। तो यहाँ पर कोई व्यवस्था कोई सुविधा देने के लिए आया है चाची? कोई नहीं, कोई नहीं। बावन सरिया खींच ले नुंगा उ जाए छे बावना मार है बाजार के मऊगी मर दबा के रास्ता ना है बांध के केवाड़ लगा के अच्छा हाँ तो कैसे जेते कैसे जेते कैसे गांव में ठेल दबो रास्ता हो के जाते हैं तब हाँ राहे से केवाड़ लगा दल के तब रास्ता में केवाड़ लगा दल के बंद क्या खींच के घर में बैठा लो बाबना कैसे हाँ तो रास्ता अभी जो है जो बाढ़ आया है तखनो हम रूपा देवे तब जे वैसे तो नहीं बुझाय ल नहीं ना तो नहीं जल जाल देते थे गंगा जी में हम डूबे कर कैसे हम ऊपर कैसे जेबे हम नाव का व्यवस्था हो कुछ न कुछ न लाख व्यवस्था कोई न व्यवस्था करा लेता कुछ न कुछ न खाली वोट लेल कुल तैयार रहै कुछ न व्यवस्था करै छै वोट लेल जो बाले बच्चा के देलो वोट लेम के छौ वोट दे देबी त मार देबो गोली आ अखन कोन कोन उपाय कोन पूछै छौ खोजबो पूछबो करबो इधर घूम के बोलिन कैमरा तरफ घूमिएगा जे मुंह अगर कलगर होतो ओकरा देबो से ले लेतो उधर घूम के बोलो बोलिए जो बोल रहा था जे बोलो यानी कि आदमी के साथ साथ गाय कोई उपाय नहीं गांव के कछार में यानी लरकटिया मकई सब डूबा सब डूब गए पूंज लगले भैंस गए मकई मकई छोड़ा रहे मकई जब तनि गौड़ा में रहे तो छोड़बे अनोखा कुल भैंस गए बाध वाला बाध वाला सब भैंस कुल भैंस गए राहत के ना यह नहीं बना कोई ना के दो तब जरा दो ले केवाड़ी नहीं तो ना डुबलो पर डुबलो पर अखन कल अखनो मांग रहा नहीं देलिए कौन गांव का मांगता हम गांव का लोग हां ओजा 5 रुपया देबो तब देवा नहीं तो नहीं आप लोग कौन जाए नहीं कौन ज्यादा मांगता है चंदा बाबू हां की हाल है तब ई की लोग जा ले आप सही चंदा दे चाहिए हां ना दे लेता कितना दे लो 200 घर पीछू 200 रुपया घर पीछू रास्ता खाते 200 रुपया दलिए चंदा 200 बाढ़ के पानी से कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को दिक्कत ना है डूबे छिए तो बहुत दिक्कत है डूब रहिए माल जाल के खाए को उपाय ना है आदमी का तो दिक्कत नहीं है माल भूखल प्यासा लेब धर माल भी भूखल प्यासा तो देखे कि किस प्रकार गांव में बैठ करके आम से यहाँ पे जो कहा जाए यूँ तो फसल बर्बाद ही हो चुका है सैकड़ों एकड़ की उपज, लेकिन जो कुछ यहाँ कहा जाए कि ऊंची वाली भूमि पे मकई का पैदावार हुआ है उसको आराम से छुड़वा रही हैं। एक विकट समस्या इस गांव का रास्ता है और रास्ता को लेकर के इनसे कहा जाए कि किस प्रकार से ये बयां कर रही थी आज़ादी के इतने वर्षों बाद इस गांव में सड़क नहीं है,
क्या है विकट समस्या? कुछ न चाहे छो, हमारा सड़क हम खाली चाहे छे, हमरा कुछ अखनी नै दै खाइल, हम डूबलो छौं तो मगर हमरा सड़क बनाए दै। हाँ बस हम सड़क चाहे छे, हम कुछ नै, अभी हमरा नै खाइल दै, हम तो अखन खाइल नै मांगै हियो, हम भूखल रहा, मगर हमरा सरका बनबा, जिंदगी भर के बाल बच्चा कुल के सुधारण करवा, बाबन गाड़ी दै दुआर पर चढ़ के जाइए। तो आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से आप बीत किस प्रकार से आप बीती सुना रहे हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस गांव तक नहीं पहुंचा है सड़क। क्या इनका हक और अधिकार, क्या यह भारत के नागरिक नहीं हैं जो सड़कों के लिए आज तक इनको सुनना पड़ रहा है दबंग जातियों से गाली? ये हाल है पिपरिया विधानसभा के, पिपरिया प्रखंड के डी पिपरिया गांव का, कि जहां तक नहीं पहुंच सका है सड़क। और इन लोगों का कहना कि कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे गांव तक सड़क निश्चित रूप से पहुंचे, यही यहाँ के आम आवाम की मांग है। इस बाढ़ की समस्या को तो झेल लेंगे, 10 दिन 5 दिन भूखे प्यासे रह लेंगे, लेकिन यदि शहरों तक जाना हो इलाज के लिए किसी तत्काल आपदा से, तो उसके लिए सुगम रास्ता नहीं है। और जो पगडंडी है उस पर से भी गुजरने के लिए इनको सुनना पड़ता है गाली। ये हाल है सूरजगढ़ा विधानसभा की, पिपरिया प्रखंड की डीह पिपरिया गांव का, जो इस गांव की महिलाएं आप बीती स्वतः ही सुना रही थी। कब तक आता है इस गांव में सड़क या भविष्य के गर्त में, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक भी नहीं पहुंचा है इस गांव में सड़क। बने रहे स्वजन समाचार के साथ, नमस्कार।